तो आप देख सकते हैं कि शिव बरात निकालना प्रारंभ हो चुका है और ये सारा कुछ कलाकार हैं। यहाँ पे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये बजरंगी फ्लावर है, देख सकते हैं कुछ इस तरह भी दिख रहा है। तो उधर आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाइयों में लोग चढ़ करके इस बरात का आनंद उठा रहे हैं। लोग देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं और इधर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये लोग आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दीदी बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे हैं। तो क्या कुछ के बारे में आप कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इधर आप देख सकते हैं पूरा मैं आप लोग को दिखा रहे हैं शिव बरात का नज़ारा और कुछ इस तरह का भी दिख रहा है। क्या ही बोले यार, जो नहीं आए हैं बहुत ही पछतावा उन लोगों को होता होगा क्योंकि इस बार जो शिव बरात निकाली जा रही है बहुत ही भव्य तरह से देख सकते हैं। तो उधर आप देख सकते हैं कि ढोल और नगाड़े के बीच लोग किस तरह डांस करते हुए शिव बरात में शामिल हैं और आगे बढ़ रहे हैं लोग। और यहाँ पे कुछ लाइटिंग का शो किया गया है, आप देख सकते हैं कि ये सारा रास्ते में शिव बरात की ओर से निकाला गया है और ये सारे अपने अपने फ्री में दिया करते हैं जो कि आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब क्या एक्टिंग है इन लोग का, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये लोग का कला है जो कि अपने शरीर में मानव जैसा कंकाल। ओ भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, भालू टाइप का दिख रहा है एकदम। ओ भाई गजब का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये एक ऐसा आदमी है जो कि उनके पेटों में कुछ इस तरह का डिजाइनिंग बनाया गया है जो कि आप देख करके चौंक जाएंगे। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं आप लोगों को दिखाते हैं, देख लीजिए यार आप लोग कि लग रहा है उसके पेट में कोई भगवान का या फिर किसी हम कह सकते हैं कि वो जो राक्षस होता है उसका मुंह है, ठीक है उसी तरह का है। और आज आप देख सकते हैं कि लोगों का जनसैलाब कितना उमड़ चुकी है, कितनी भीड़ है और ये शिव बरात को देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मनोज तिवारी आए थे और उनको देखने के लिए लोगों का भीड़ किस तरह है और लोगों का किस तरह का आगमन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है और इधर आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारा अभी आपके बीच कुछ साउंड आएंगे, डीजे आएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीजे का कंपटीशन होता है जो कि आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों वो चीज़ मैं आप लोग को आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे तरह तरह के भक्त बने हुए हैं, जितना भी हमारे देवताओं हैं उनके भेष में यहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हैं। और इनका कुछ इस तरह का यहाँ पे अभी शुरुआत हो चुकी है जो कि जाने में, और आप लोग को मैं आगे आप बहुत सारा चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इधर भी एक गाड़ी आ रहा है बड़ा सा जो कि उसमें भी लग सकता है लग रहा है कि कुछ कलाकार आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन है उसके अंदर में, जब यहाँ पे सामने आएगा तो हम लोग को भी देखने को मिलेगा। तो कोई अगर रहता है तो मैं आप लोग को बताऊँगा। और इधर देख सकते हैं तरह तरह के भेष में यहाँ पर शिव विष्णु हरि अलग अलग भेषों में यहाँ पे बनाया गया है और निकाला जा रहा है आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंपटीशन
डीजे लाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं लोगों का भीड़। इसको देखने के लिए, इसके पीछे डांस करने के लिए कितना लोग हैं, और इसमें कितना अच्छा लाइटिंग लगाया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये है बहुत ही देवघर का फेमस डीजे, जो कि इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर दिया रहता तो मैं आप लोग को बताती। और इसमें किस तरह का धुआं वगैरह निकलते हुए और कितना अच्छा दिख रहा था आप देख सकते हैं। तो उधर आप देख सकते हैं उसमें गजब का फ्लावर टाइप का एकदम पेपर का गिर रहा है, और गजब एकदम लग रहा है कि एकदम कोई फ्लावर यानी कि फूल बरसा रहा है, वैसे ही वहाँ पे उस डीजे के साथ वो चीज़ किया गया है। और आपको यहाँ पे बीच बीच में तरह तरह के डीजे का साउंड देखने को मिलेगा, जो कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने निकल चुका है पंचनी चुड़ैल, कुछ इस तरह का अभी शिवरात में आपको देखने को मिल रहा है। और इसका मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो पीछे दिखाए थे, जो कि उसमें बहुत सारा इसका तैयारियाँ में लोग लगे हुए थे और उसमें किस तरह दिख रहा था। जब अभी निकला हुआ शिवरात में तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह दिख रहा है पंचनी चुड़ैल। और यहाँ पे तरह तरह की लाइटिंग में कुछ अलग अलग भेष का यहाँ पे बनाया गया है, और ये शायद मगरमच्छ टाइप का या फिर कुछ है आप देख सकते हैं। और ऐसे ही बहुत झांकियाँ आपको देखने को मिलेगा इस शिवरात में, तो आप हमारे साथ देखते रहिए और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को ये चीज़ देखने में। तो यहाँ पे निकल चुका है लक्ष्मण रावण, और ये क्या है मुझे अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है। और तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग यहाँ पे निकाला गया है। और इधर मैं आप लोग को और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा, और भी अलग अलग झांकियाँ निकाली जा रही है, जो कि आपके बीच आपके वीडियो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राक्षस जैसा बनाया गया है, और उसको अपने हाथों और धुआं शहर पर निकाला जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब पारी आ चुका है मानव गत्य निकालने का, और स्टेडियम का कुछ इस तरह का हालात है आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को अब दिखाते हैं, अब वो चीज़ अभी लाया जा रहा है। तो अब आप कुछ ही समय का इंतज़ार कीजिए, कुछ ही पल का आपके बीच मानव दैत्य आ रहा है, जो कि बहुत ही भयानक बनाया गया है। और देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का उस एक गाड़ियां पर बिठाया गया है, और इस गाड़ी पे उसको लाया जाएगा आप देख सकते हैं अभी, और मैं आप लोग को दिखाते हैं। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाने के कारण वो फंस जा रहा है मेन गेट, यानी कि जो ये गेट आप देख पा रहे बनाया हुआ इसी गेट में वो फंस जा रहा है, और जिसके कारण ये मानव दैत्य बहुत ऊंचाइयों में है और निकलने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। बट कोई नहीं, फिर भी ये तालका मचाने आ चुका है आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, क्या इसका कला है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घूम घूम करके ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके आप बैठे हुए जिस पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा लाशों के बीच ये बैठे हुए हैं, और ये देख पा रहे हैं मानव दैत्य कुछ इस तरह का भी दिख रहा है। और जब ये बन रहा था तो आप लोगों ने देखा था कि बहुत ही इसका तैयारी करने में बहुत समय लग गया था, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि ये सामना रूबरू आपका हो रहा है मानव दैत्य का। तो अब आपके बीच माँ पार्वती डेकोरेटर्स एंड डीजे साउंड आपके बीच दिखाई देगा, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, जो कि गाड़ी आप लोग को सामने दिख रहा है आप देख सकते हैं। और लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं डांस करने में, कितना लोग हैं उमंग, और ये डांस का आनंद लेते हुए शिवरात में ये लोग चल पड़े हैं आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी साउंड सुंदरता के साथ ये लोग डांस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये महादेव का भक्त जो है कि किस तरह ये लोग डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके बीच यहाँ पे घोड़ा गाड़ी पे रथ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सामने से मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दिया आंतो,
यहाँ पे देख सकते हैं शंकर शाही रथ है, लेकिन उसका नाम नहीं दिखाई दिया, वरना मैं आप लोग को बताने का कोशिश करते। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार शिवरात्रि में लाइटिंग तो बहुत तरह तरह का आपको देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अब आपको इस शिवरात्रि में एक और झांकियां देखने को मिल रहा है, जो कि सामने से उधर अगर हम लोग रहते हैं तो सभी का नाम पढ़ के आपको मैं बताने का कोशिश करते, लेकिन यहाँ से हम लोग हैं किसी का नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही ऊंचाइयों से मैं आप लोग को दिखा रहे हैं इस बार। तो इधर आप देख सकते हैं एक और रथ इधर निकाली गई है, इधर एक घोड़ा निकाला गया है। तो आप देखिए यहाँ पे एक और रथ में यहाँ पे निकाला गया है, जो कि चंद्रदेव है आपको यहाँ पे दिख रहा है। और एक और रथ इधर निकाला गया है, और इसमें कौन बैठे हुए हैं मैं आप लोग को पीछे में इसका नाम है पढ़ के बताता हूँ। तो ये है पवन देव, आप देख सकते हैं, जो कि आप लोगों ने आगे में देखा। और ऐसे ही तरह तरह का और भी झांकियां आपको इस शिवरात्रि में दिखाई जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो आप लोग देखते रहिए। और तो अब आपके बीच में एक भयानक सा डीजे सामने आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह ये महाकाल के भक्त डांस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं कितनी ये उमंग है भक्तों का, और ये महाकाल के भक्त का कि डांस में एकदम झूम रहे हैं गानों के साथ। और अब आपके बीच यहाँ पे एक और भी चीज देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये आप लोग को यहाँ पे एक टेम्पो में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे। और उसके बीच महाकाल के भक्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे साउंड प्ले हो चुका है, और लोग झूमते हुए बाबा की नगरी बाबा मंदिर जा रहे हैं देवघर में जो। और ये रहा भारत का पूरे विश्व का विश्व ग्लोब, जो कि आप सामने देख रहे हैं, और इसके ऊंचाइयों पे इस ग्लोब के ऊपर एक महागुरु बैठे हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा है। और ये जब तैयार हो रहा था तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे वृक्ष, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, जो आप लोग वृक्ष को नष्ट करते हैं काट देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे उसको दिखाने के लिए वो चीज़ दर्शाया गया है कि आप लोग वृक्ष को नष्ट ना करें, उसको ना काटें। और आप लोग नए नए जब हिंदुओं का कोई भी त्यौहार आता है तो आप लोग उस दिन उस शुभ अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाइए। तो अभी आप देख सकते हैं आपके बीच यहाँ पे भारत माता इस शिवरात्रि में निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और इधर और भी आपको डीजे का साउंड शिवरात्रि में दिखाई देगी, जो कि डीजे आ रहा है आपके बीच। चलिए मैं आगे आपको दिखाते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आम दरबार निकाला गया है, और कुछ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हैं, और क्या भयानक दिख रहा है आप देख सकते हैं ये आम दरबार, जो कि आप देख सकते हैं कोवा के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये बैलगाड़ी से इसको आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को गांव में इस तरह के बैलगाड़ी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, और इस तरह की बैलगाड़ी आपको शहरों में नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आ चुका है आपका फेवरेट गाना, आपके फेवरेट साउंड डीजे के साथ, तो चलिए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब KKN स्टेडियम में भीड़ कुछ कम हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे महादेव बैंड डीजे है, जो कि इस साउंड के बीच लोगों का डांस आप देख सकते हैं कितना अधिक संख्या में लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं। और इधर और भी झांकियाँ जो है बची हुई है, और आपको अभी दिखाने के लिए आए हैं, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो अभी आ रहा है आप लोग के बीच सूर्य देव, जो कि आगे आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो महादेव बैंड डीजे साउंड है, उसका जो साउंड है उसको उसके साथ झूमने के लिए लोग का भीड़ आप देख सकते हैं। ये रहा सूर्य देव, जो कि आप लोग को यहाँ से दिख रहा है, और इसके ऊपर
फुहारा बरसाया जा रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी भारत बिहार झारखंड की न्यूज़ से इन लोग का पूरा रिपोर्टिंग अभी यहाँ पे लाइव ग्राउंड में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इन लोग का हो रहा है, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा पूरा। आप देख सकते हैं पूरा किस तरह का यहाँ से दिख रहा है। तो अब आपके बीच में यहाँ पे आने वाला है महादेव का रहस्य। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह भी दिख रहा है, और ये लास्ट में निकाला जा रहा है लोगों का भीड़। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है इसको देखने के लिए। और बस आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों को बाहर में आशीष में आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि महादेव का कुछ इस तरह यहाँ पे बनाया गया है, और उसका जो बसा बैल होता है इस तरह बनाया गया है, उसके ऊपर उसको बैठाया गया है। तो कुछ इस तरह भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि महादेव की बारात में महादेव निकल चुका है, और अब मैं आप लोग को बाहर से दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का देखने का भीड़, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है अभी भी, और बहुत सारा झांकियाँ आपके बीच निकल चुकी है। तो देख सकते हैं आपके बीच महादेव की प्रतिमा आ चुकी है। ओ हेलो, ओ हो क्या बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाचने की उपस्थितियाँ किस तरह है, और लास्ट में सबको झुमा कर ही रख दिया ये साउंड ने, क्योंकि इतना जबरदस्त है जो कि पूरे देवघर में टक्कर दिया ये साउंड ने, और सभी कोई झूम उठे। आप देख सकते हैं